अच्छा बदलाव करती है, जो अच्छा लगता है उसको लाते हैं। और अटेंटी है कि बीजेपी की सरकार बहुत मोहम्मद से बनेगी। राजस्थान का खजाना जो है वो खाली कर दिया है। मंत्री रह सके कांग्रेस के, वो इस बार दिग्गज नेता वो हारते हुए नजर। नमस्कार, मैं सुमेश बिश्नोई और आज की लाइव तस्वीर बीकानेर से। पूरे राजस्थान में आज 2023 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बीकानेर के साथ साथ में पूरे राजस्थान के जो लोग हैं आज इस विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह में है, कोलायत से। और बीकानेर के जो 7 विधानसभा क्षेत्र है उनमें से 3 में अभी तक जो है बीकानेर में जो है बीजेपी जो है उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जीत को लेकर यहाँ पर लोगों में उत्साह है। लोग यहाँ पर गुलाल से खेल रहे हैं, रंगों से खेल रहे हैं, रंगों से खेलकर जो है इस जीत का जो है उत्साह मना रहे हैं। राजस्थान का ये जो विधानसभा चुनाव है ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है और इसके साथ में बीकानेर के ये जो 7 विधानसभा क्षेत्र है ये भी पूरे राजस्थान में अपना एक बहुत ही खास महत्व रखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर ये हमारे साथ में काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका सुनील मोदी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे धर्म की जीत है, हमारे हिंदू धर्म की जीत है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओनली भारतीय जनता पार्टी, ओनली भारत, हमारे सिद्धि कुमार जी का। पूर्व में सिद्धि कुमारी जी और पश्चिम में जेठानंद जी। इस बार मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पब्लिक के बीच में इतनी भीड़ के अंदर आके ये मीडिया अपना बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। सबसे पहले मैं तो इनको बधाई देता हूँ जीत की जी जी। लेकिन हमारे पूर्व से हमारी सिद्धि कुमारी जीत रही है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हर बार चौथी बार ये विधायक मेले विन रही है, हमारे जो भी विनना चाहती है। लेकिन हम इस बार बदलाव चाहते थे, लेकिन हमने बदलाव ये किया है। यहाँ से भी जेठानंद जी ब्यास को टिकट मिला है बीकानेर से, पश्चिम से, लेकिन जेठानंद जी ब्यास भी निकलेंगे इस बार। अच्छे अच्छे जो विधायक यहाँ मंत्री रह सके कांग्रेस के, वो इस बार दिग्गज नेता वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। चाहते हैं कि राजस्थान में आज तक का रिकॉर्ड है कि एक बार आई हुई सरकार दोबारा नहीं आती है, तो क्योंकि क्या आपको लगता है इस वजह से कांग्रेस बीजेपी जो है दोबारा आ रही है? बिल्कुल मैडम, बहुत ही अच्छे बहुमत से आ रही है क्योंकि हमारे बीच में हमारी जनता राजस्थान की अपने जो भी सोचती है, क्योंकि ये 5 साल हुई किसी को राज नहीं करने देती है, अच्छा बदलाव करती है, जो अच्छा लगता है उसको लाते हैं। और अच्छे हमारे मीडियम के माध्यम से, क्योंकि हमारे कॉलेज से भी अब आयुष्मान भाटी का जीतने का बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है उनका भी। मैं इससे कहना चाहता हूं जनता से कि ऐसे वोट करें। शांतिपुर इस बार बहुत अच्छा मतदान हुआ था क्योंकि मतदान हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए कि ये जो बीकानेर के विधानसभा के 7 क्षेत्र है ये अपना किस प्रकार से राजस्थान के अंदर चुनाव में महत्व रखते हैं? इसमें ये मैं सबसे पहले बीकानेर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने पूर्व की और पश्चिम की बीजेपी की दोनों सीटें निकाली और बाकी 7 की 7 सीटों के लिए मैं यही आशा करता हूँ कि 7-7 बीजेपी आएगी। परिवर्तन ही नियम है और वो 101% गारंटी है कि बीजेपी की सरकार बहुत मोहम्मद से बनेगी बहुत, और जेठानंद जी भारी मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत आभार। बताइए राजस्थान में ये जो चुनाव है इनको लेकर कैसा उत्साह है जनता का? जनता का रुझान है जो कांग्रेस द्वारा पिछले 5 साल में जो जनता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, धोखा किया गया था, उसका बदला लेने के लिए जनता ने आतुर थी और इस चुनाव में भयंकर अक्रोस जनता में लगा और भारतीय जनता पार्टी को उसकी बदौलत जीत हासिल की है। और झूठे वादों और झूठे घोषणाओं से लोगों को फ्रेम किया और राजस्थान का खजाना जो है वो खाली कर दिया है इसने, अशोक गहलोत ने, रेवड़ियाँ बांटने के लिए और पेपर लीक वगैरह सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए लोगों में आक्रोश था। उसी के परिणित भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और सुशासन देगी, राम राज्य देगी और कॉलेज सोनलाल प्रजापत पूर्व पार्षद। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतना ही। मैं सुमेश बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से, धन्यवाद।